लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिले के अलग अलग प्रखंडों में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में लोहरदगा सदर प्रखंड मुख्यालय के सामने भी केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी सरकार पर अडानी ग्रुप को संरक्षण देने और सरकार के संरक्षण में LIC और SBI से पैसे लेकर नहीं चुकाने का आरोप कांग्रेसी नेताओं ने लगाया। साथ ही अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी का पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट सरकार को जब्त करने की मांग की है। इस कार्यक्रम में जिले के बड़े पैमाने पर कांग्रेसी नेताओं ने भाग लिया और अडानी ग्रुप के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। SBI और LIC के विरोध में के मोदी जी के दोस्त अडानी जी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देश में हालत जो स्थिति है दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। उन्होंने देश का पैसा SBI से 28,000 करोड़ रुपया का लोन उन्होंने अडानी जी को दिलाया है। पंजाब नेशनल बैंक से 6,000 करोड़ रुपया का लोन उन्होंने दिलवाया है। 34,000 करोड़ रुपया देश जो अभी हमारा जो देश का पैसा है उनके पास है। ऐसा नहीं कि कल जैसे महेश चोस्की जी, मोदी जी और शराब के बेंगलोर के विजय माल्या जी जो आज 9,000 करोड़ रुपया लेकर विदेश भाग गए हैं। हम कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अडानी जी का पासपोर्ट और वीज़ा जब्त किया जाए। ऐसा नहीं कि ये भी विदेश बल कल भाग जाएं और देश की हालत जो है कंगाल हो जाए देश। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।